मैं अशोक कुमार ध्रुवे, सहायक शिक्षक। मेरी शैक्षणिक योग्यता MA हिंदी, समाजशास्त्र, राजनीति व अंग्रेजी है। साथ ही मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन का कोर्स भी किया है। मेरी शैक्षणिक अनुभव 15 वर्षों का है। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय प्राथमिक शाला बीजा, संकुल केंद्र बीजा, विकास खंड सागर, जिला बेमेतरा है। मेरे विद्यालय में कुल 104 बच्चे अध्ययनरत हैं और मेरे अलावा 2 शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। मेरा जो यह स्कूल है वो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ स्कूल है और इस स्कूल की विशेषता है कि इस स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है देवर बीजा, जहां पर एक प्राचीन मंदिर विष्णु जी का स्थित है, जिसको 6मासी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मेरा विद्यालय बेमेतरा जिला के विकासखंड साजा में स्थित है। बेमेतरा जिला जो कि एक कृषि प्रधान जिला है, जो 99% कृषि पर ही निर्भर है। मैं जब यहाँ आया अध्यापन के लिए, मेरी जब नौकरी लगी, तो मैंने यहाँ पर देखा कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी विषय और गणित विषय में थोड़े से कमजोर हैं, उनको अवधारणाएं जो है समझ में नहीं आ रही थी। मैंने प्रयास भी बहुत किया, अपने सीनियर शिक्षकों के माध्यम से भी, साथ ही उस समय जो मटेरियल तैयार हुआ था, जो शिक्षण पद्धति लाई गई थी, उनका मैंने प्रयोग भी किया। इसी बीच मुझे श्री अरबिंदो सोसाइटी ZII के माध्यम से प्रशिक्षण में भाग लेने का मौका मिला। मुझे अपने आप में नयापन लगा कि ये क्या प्रशिक्षण होगा, कैसे होगा। जब मैं गया प्रशिक्षण में, तो वहाँ पर प्रशिक्षकों द्वारा नवाचार, इनोवेटिव पाठशाला के बारे में जानकारी प्रदान किया गया और प्रशिक्षकों द्वारा ये बताया गया कि यह प्रशिक्षण से जो TLM निर्माण, जो नवाचार है, वो शून्य निवेश अर्थात 0 बजट का, जिसमें किसी कोई भी राशि, अतिरिक्त राशि नहीं लगेगा। मैंने उस प्रशिक्षण को सीखा, अनुभव प्राप्त किया, प्रशिक्षकों द्वारा काफ़ी सहयोग मुझे मिला। मैंने भी अपने कुछ सुझाव, आइडियाज प्रशिक्षकों द्वारा साझा किए। साथ ही साथ मेरे मन में जो, या मेरे जो एक जहन में जो एक बात निकल के आ रही थी कि बच्चों को हम कैसे और बेहतर ढंग से पढ़ाएं, मन बच्चों के अनुभवात्मक शिक्षण को कैसे जोड़ें, तो ये भी मैंने शेयर किया। जो प्रशिक्षक थे श्री राजेश साहू सर, श्री अनीश सर ने मुझे काफ़ी सहयोग प्रदान किया, नए नए तरीके बताए। चूंकि 2020 जो पूरी तरह से एक कोरोना महामारी के बीच से गुजर रहा है, लोग प्रभावित हो गए हैं, पूरा विश्व प्रभावित हो गया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं तो हमारे स्कूल के बच्चे। तो इस प्रशिक्षण में एक नवाचार मुझे मिला, वो था ऑनलाइन पढ़ाई। तो ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से हम बच्चों में कैसे शिक्षा से जोड़े रखें, तो ये चीज़ भी मुझे इस प्रशिक्षण से बताई गई। तो इसमें मुझे ये बताया गया कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है ZII इनोवेटिव पाठशाला।
तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई हम कैसे करें, तो उसमें बहुत सारे गेम्स भी दिए, उनका मैंने प्रयोग भी किया और उन प्रयोगों के माध्यम से मैंने जो प्रशिक्षण में जो हासिल किया वो चीज़ मैं अपने बच्चों पर लागू किया। साथ ही ऑफलाइन मोहल्ला क्लास में भी इसका उपयोग किया। कुछ खेल जैसे ग्रिड गेम, तंबोला, सांप सीढ़ी आदि खेलों के माध्यम से मैं नवाचार जो TLM का जो निर्माण है, जो जीरो बजट का है, जो शून्य बजट का है, उसको भी मैंने इसमें लागू किया। जो प्रशिक्षक के द्वारा मुझे प्रशिक्षण दिया गया उनका सहयोग मुझे भरपूर मिला और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो विद्यालय है वो आगे बढ़े, जनपद स्तर तक जाए।